नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक भारद्वाज और हम लोग करने जा रहे हैं एक और नया लेसन अपने क्रैश कोर्स का, यानी शॉर्ट नोट्स को करने जा रहे हैं ईडीसी के कंप्लीट। और जहां पे मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज बताने वाला हूं, सारे कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों ये कोर्स डिटेल में नहीं है, लेकिन ये कोर्स आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोमेंट पे ये सारी चीजें आपको रिवाइज कराने वाला है। ये कोर्स रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो थोड़े टाइम में आप ईडीसी को अपने टिप्स पे लर्न कर लेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग करने यहाँ पे बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स कर रहे हैं, और हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे यहाँ पे आप लोगों को मैं ये टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये बताने वाला था, इस ग्राफ को बताने वाला था। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो ग्राफ है इसको अच्छे से देखो। मैंने आप लोगों को बोला जितने भी कंडक्टर्स होते हैं शुरू में इंट्रेंसिक होते हैं, उसके बाद जो है कि पीक वैल्यू तक उनकी कंडक्टिविटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, फिर रिड्यूस होना शुरू होती है, फिर वो बढ़ती है। तो सबसे पहला तो सवाल कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, आप लोगों को दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंडक्टिविटी होती है ना, जो कंडक्टिविटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, मैंने बताया था पी टाइप और एन टाइप दोनों को इंक्लूड करके ये होता है इसका सेमीकंडक्टर का, एन न्यू न्यू एन प्लस पी न्यू न्यू बी। तो अब सपोज करो आपको पता है जितने भी कंडक्टर ना शुरू में इंट्रेंस वो हैं, जितने भी सेम इन एन टाइप हो पी टाइप हो या कोई भी हो, सारे इंट्रेंसिक कंडक्टर शुरू में इंसुलेटर होते हैं 0 डिग्री केल्विन पे। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर आपने उसको वो बढ़ाना शुरू किया तो वो क्या होता है बॉन्ड्स टूटना शुरू होंगे और धीरे धीरे इसके लिए बढ़ती हुई चली जाएगी मैक्सिमम वैल्यू तक। मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू लगभग हमें रूम टेम्परेचर पे जाके मिलती है इसकी कंडक्टिविटी की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब क्या होगा, 300 पे आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर जब आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 0 डिग्री पे आपका इंसुलेटर हो गया, 0 से 300 डिग्री पर टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ यहाँ पे वो बॉन्ड्स टूटते हुए चले जाएंगे जल्दी जल्दी, तो कंसनट्रेशन यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाएगी, दोनों की यहाँ पर कंसनट्रेशन बढ़ती हुई चली जाएगी। अब दोस्तों होगा क्या, तो आपकी जो ये जो है ये जो कंडक्टिविटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो आपकी यहाँ पे कर रही है कंसंट्रेशन कितनी है, और दूसरी डिपेंड कर रही है मोबिलिटी कितनी है ना, जो भी चार्ज कैरियर हो कंसंट्रेशन। तो दोस्तों अब उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम होगी आपकी वैल्यू 300 पे जाके, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा आपके बॉन्ड्स टूटेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ती हुई चली जाएगी। दो वेरिएशन चीज़ों में वेरिएशन आएंगे, एक तो मोबिलिटी में आएगा वेरिएशन और एक आएगा कंसंट्रेशन में। तो जब शुरू में क्या हो रहा है बॉन्ड्स ज़्यादा टूटेंगे तेजी से। अब देखो एक एग्जांपल समझ रहा हूँ, शुरू में मान लो आपके पास आपने डोपिंग कंसंट्रेशन डाली है 10^15 मान लो, सपोज करो 10^15 आपने डोपिंग कंसंट्रेशन डाली है, जो टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड टूट रहे हैं वो टूट रहे हैं, कितने टूट रहे हैं 10^6। तो आपका जो है मतलब 10^15 बॉन्ड 10^15 आपने इलेक्ट्रॉन्स डाले डोपिंग एनडी मान लो डाला है, तो उसमें क्या होगा 10^16 तो आपके वो हो गए बॉन्ड हो गए आपके, मतलब यहाँ पर जो है एनडी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10^16 मेजोरिटी कैरियर्स। अब क्या होगा टाइम टेम्परेचर की वजह से मान लो 10^6 टूट रहे हैं, तो 10^6 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, 10^ होल्स जनरेट हुए, तो इलेक्ट्रॉन जो 10^15 में 10^6 ऐड करोगे तो कितना आएगा इक्विवेलेंट टू 10^15 आएगा जो होल्स आएंगे। अब होल्स कितने 10^6 हैं, तो अब तो होल्स इसके कंपैरिजन में बहुत कम है तो इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब देखो जैसे ही आप थोड़ा और बढ़ाना शुरू करोगे टेम्परेचर और बढ़ाने शुरू करोगे, और तो 10^6 मान लो 8 मान लो, अब एक टाइम आएगा कि इतना टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया कि वो लगभग 10^15 ही टूटने लगे, तो अब उस टाइम पे ये इक्वेलेंट हो जाएंगे। मतलब क्योंकि अब एनडी तो आपने 10^15 डाला है, आपने बॉन्ड तोड़ डाले 10^13 टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के, तो आपके 10^13 प्लस 10^15 इतने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास है ना, और यहाँ पे ये कितना हुआ, लेकिन यहाँ 10^ आपने 13 जो होल्स तोड़े हैं ये अच्छा खासा अमाउंट है लीकेज करंट का। तो ये क्या करेगा आपका कंडक्टिविटी को डाउन कर देगा, मोबिलिटी पूरी रिड्यूस कर देगा, इतने अमाउंट पर कंजेशन हो जाएगा वहां पर। तो इस तरह 10^300 से ये टेम्परेचर के बीच में यहाँ पर क्या है आपकी कंडक्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और प्यूरी टेम्परेचर पे जाके जब आपके नंबर ऑफ होल्स का अमाउंट लगभग बराबर पहुँच लेगा, किसके बराबर नंबर ऑफ होल्स का अमाउंट पहुँच लेगा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, वहाँ जाकर क्या है एक इंट्रेंसिक बन जाएगा। फिर इंट्रेंसिक के बाद जो प्रोसीजर शुरू हुआ है टाइम टेम्परेचर बढ़ाओगे वो प्रोसेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यही कंसेप्ट था मिनिमम कंडक्टिविटी का, ये लगभग
400 डिग्री टेम्परेचर होता है अपने लोगों के लिए। तो जो हम लोग बता रहे थे ना, मैं आपको एक मिनिमम कंडक्टिविटी के बारे में पहले डिटेल में बता रहा था, ये मिनिमम कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है, ये होल्स का अमाउंट इतना होगा, इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट इतना होगा और ये कंडक्टिविटी की कंडीशन है। तो यही चीज़ है दोस्त जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ये मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम कंडक्टिविटी पे जाके वो लगभग लगभग इंट्रेंसिक हो जाता है सेमीकंडक्टर। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे है, मान लो सपोज क्वेश्चन के पूछा गया कि आपकी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, नॉर्मली बढ़ेगी, लेकिन यार आपने इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया है कि मतलब आपकी जो रूम टेम्परेचर है उससे भी काफ़ी आगे निकाल के ले गए, तो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, वो रिड्यूस होते 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 नीचे तक पहुँच जाएगी, तो ये मतलब फिर घटने शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बढ़ेगी। तो ये जो है ये बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगी ये सारी चीज़ें, तो वो जो है यहाँ पर जो है कंडक्टिविटी। तो ये क्या है, जैसे जैसे आपकी इंट्रेंसिक से ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ये आपकी इंट्रेंसिक हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से इंट्रेंसिक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप लोगों ने ये उस पूरे चार्ट को समझ लिया होगा दोस्तों। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम जो जीरो से बढ़ाते हैं 300 तक जाता है, फिर उसके बाद नीचे तक आता है, फिर ये आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं यूजुअली, तो इनको होप आप हैंडल करेंगे। मैंने दोनों चीज़ बता दी, कंडक्टिविटी दो चीज़ों पर मैटर करेगी, एक आपकी मोबिलिटी पर मैटर करेगी, एक आपकी कंसंट्रेशन पर मैटर करेगी। तो और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और, यहाँ पे एक्चुअली ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक लाइट डोपिंग की यहाँ पे है ना, और डोपिंग करने के बाद क्या हुआ, जो है मान लो इलेक्ट्रॉन दिए या होल दिए, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी डालें, तो इससे क्या है, ये जो है डिफ्यूज़न की वजह से थोड़े टाइम बाद जाके वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो चलिए इसको मैं ना इस कंसेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ। चलो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।